हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो ये देखिए मेरा मॉर्निंग का अंजाम। एक्चुअली मॉर्निंग में मैं तैयार होके फटाफट से पेंटिंग का सब कुछ रिवाइज करने बैठ गई थी एंड यहाँ पे है वाटरमेलन। एक्चुअली ब्रेकफास्ट मैंने कब का कर लिया है, तो अभी मैं खाने वाली हूँ वाटरमेलन। ये देखिए, मतलब ना मैं आपको इस स्टेप्स बता रही थी। इसमें ना पेंटिंग में मुझे थोड़ा हिस्ट्री जैसा लगता है। वैसे तो ये जब हम रीड करते हैं तो नॉलेज लेने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर जब एग्ज़ाम में लिखने की बारी आती है तो ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ डिटेल में दिया हुआ है। एंड मुझे ना मेन तो इसमें ये भी नहीं अच्छा लगता कि लाइक ये इस साल में हुआ था, ये उस साल में हुआ था। एक्चुअली मुझे ना ज़्यादा इस टाइप का पसंद है कि हम कुछ अपने वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं, लाइक हमें जिस टाइप से डिस्क्राइब करना है उस टाइप से भी कर सकते हैं। बट इसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी पर्टिकुलर होती है कि हम कुछ उसमें तो अपने वर्डिंग्स में नहीं लिख सकते, जैसे कि ये कहाँ पर है, किसने बनाया था वगैरह वगैरह। मैं ये ठंडा ठंडा वाटरमेलन खाते खाते क्विक क्विक ये सब कुछ रिवाइज कर लेती हूँ। सिर्फ ये 3 पेपर्स ही नहीं है, बाकी 2 भी है। मुझे ना ये वाली हेयर स्टाइल लाइक ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, तो मैंने मम्मा को कहा कि आज मुझे ये वाली हेयर स्टाइल करके दे, क्योंकि वो लिखते टाइम वो फिर छोटे छोटे बाल आगे आते ना, तो मुझे इतना लाइक इरिटेटिंग लगता है थोड़ा सा। तो वैसे तो ये फटाफट हो जाती है, तो वो हेयरबिन लगाने से ये वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी हो गया है लंच का टाइम एंड ये है आज का हमारा लंच। तो लंच में है मूंग की दाल, राइस, ठंडा ठंडा आम रस और होममेड बटर मिल्क। सो अभी हम फाइनल निकल गए हैं एग्जाम सेंटर तक जाने के लिए एंड मिलती हूँ मैं आपको तब जब वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं हमारे एग्जाम सेंटर पर। रिटर्न में हम दूसरे रास्ते से आ रहे हैं एंड बहुत खूबसूरत है ये रास्ता, ये देखिए है ना। तो अभी हम घर आ गए हैं एंड ये है मेरा आज का मंच, चपाती, आमरस, होममेड अचार एंड बटर मिल्क अभी आ रही है। तो ये आ गई हमारी होममेड बटर मिल्क। तो अभी ना घर पे आ गए, थोड़ा सा मंच वगैरह भी हो गया जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और अभी मैं करने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग। तो मुझे ना पेंटिंग करने का मन हो रहा है, तो मैं करने वाली हूँ कुछ पेंटिंग। तो उसके लिए DIY कैबिनेट्स में से सबसे पहले सारी चीज़ें ले लेते हैं जो मुझे चाहिए और फिर स्टार्ट करते हैं पेंटिंग। सो ये है मेरी ड्राइंग बुक, लाइक जिसमें अभी मैं ड्राइंग करने वाली हूँ एंड ये वो सारे ड्राइंग्स है जो मैंने ना पेंटिंग की एग्ज़ाम प्रैक्टिकल जब थी ना तब किए थे ना, तो वो सब मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं उसके बाद करते हैं स्टार्ट। फिर मैंने ना बहुत सारी प्रैक्टिसेस इस टाइप की भी की थी, लाइक डांसिंग गर्ल है तो उसकी भी बहुत सारी प्रैक्टिस। देन इस तरह से मोमेंट डॉटर है, ये रफली मैंने पेंसिल से किया था ये सारी चीज़ें। एंड फिर आता है यहाँ पर एम्प्टी पेज, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं करना। एंड ये मैंने सारी चीज़ें ले ली है, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर कलर से करती हूँ ना, तो मैंने सोचा इस बार क्यों ना पोस्टर कलर से किया जाए। एंड वो है मेरी पैलेट्स एंड यहाँ पे मैंने वाटर ले लिया है एंड बाय द वे मैंने वाटर कलर ट्यूब्स भी रखी है साथ में, और ये है पोस्टर कलर्स एंड ब्रशेस सारे। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं पेंसिल से। एक्चुअली मैं हर बार ऐसा ही करती हूँ, एकदम रफली ड्रॉ कर लेती हूँ एंड डार्क भी नहीं करती हूँ, एकदम लाइट लाइट करती हूँ पेंसिल से। और फिर चलिए अब निकाल लेते हैं कलर्स। तो मैं अभी तो 4 कलर्स निकाल रही हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं कर रही हूँ डोर। तो इसके लिए मैंने डार्क ब्लू, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू नहीं है, लाइट ब्लू है, और ब्लैक एंड वाइट कलर्स लिए। और इस टाइप से मैं कुछ कर रही हूँ डिफरेंट, लाइक कहीं कहीं जगह पर लाइट, कहीं डार्क, और कहीं पे ना लाइट ब्लू जो है ना उसमें भी वाइट मिक्स करके मैं कर रही हूँ। वैसे आप लोग पेंटिंग में ज़्यादा पोस्टर कलर्स प्रेफर करते हैं या वाटर कलर्स, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो
अभी ना मैं क्या कर रही हूँ, वाइट कलर पहले मैंने कर लिया और उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक कलर लेके दोनों को मिक्स कर लिया, इसीलिए ग्रे कलर हो गया। वैसे वाटर कलर होते ना तो पहले ही मुझे मिक्स कर लेना पड़ता एंड फिर करना पड़ता, क्योंकि वाटर कलर इजीली मर्ज नहीं हो पाते एक बार हो गए उसके बाद, बट पोस्टर कलर्स मर्ज हो पाते हैं। तो इसमें मैंने इस टाइप से किया एंड फिर ना थोड़ी सी शेडो वाली इफेक्ट देने के लिए मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया और यहाँ पर नीचे भी मैंने ब्लैक कलर किया। एंड फिर बैकग्राउंड मैंने सोचा वॉल ना येलो कलर की रखता है तो वो मैंने किया एकदम लास्ट में, मतलब पूरा जब पेंटिंग हो गया है ना उसके बाद मैंने वॉल में थोड़ा सा इफेक्ट भी दिया है, तो मुझे लगा कुछ इफेक्ट देते हैं सो इसलिए मैंने लास्ट में दिया। एंड ये वाइट एंड पिंक कलर मिक्स करके मैंने ना ट्री में यूज़ किया लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए, मतलब कि पिंक कलर के मैंने थोड़ा सा इस टाइप से बुशेस वाले फ्लावर्स टाइप इफेक्ट दिया और ग्रीन तो ऑफ कोर्स ट्रिकी कलर होता है। एंड मुझे कुछ इस टाइप का लाइक ड्राइंग बनाना था, पेंटिंग करना था कि फिर वो ट्री इस टाइप से डोर तक जाता है एंड ऊपर ऊपर से फिर इस टाइप से आ जाता है, तो मैंने उस टाइप से कुछ इफेक्ट दी है। अब आई थिंक तो मैंने मुझे जैसा चाहिए था वैसे परफेक्टली किया है, बट अगर हम सिर्फ सिंपली ट्री कर लेते छोटा सा प्लांट तो भी चलता। एंड ये जो पूरा ट्री मैंने बना लिया ना उसके बाद भी मैंने ट्री में से थोड़े से पेटल्स नीचे गिर रहे हैं उसका भी इफेक्ट दिया है। तो ये देखिए अब मैं थोड़ी देर में मैं वही कर रही हूँ, तो ग्रीन पहले मैंने कर लिया एंड फिर रेड एंड वाइट को मिक्स करके पिंक बना लिया और इस टाइप से डोर पर भी मैंने थोड़ा सा कर लिया। एंड ये मैं बना रही हूँ एक पॉट, तो उसके अंदर भी कुछ फ्लावर्स गिरे हैं एंड उसके बाहर भी एंड उसके साइड में भी है, वैसा मैंने पेंट किया। तो फाइनली मैंने ये ब्लैक वाली लाइंस भी कर ली और लाइक ये डोर वुडन का है ना तो इस टाइप से मैंने लाइन कर ली एंड फिर वो हैंडल्स भी कर लिए डोर्स के और बस मेरा पूरा पेंटिंग हो गया। तो अब सब कुछ मैं कर रही हूँ डीक्लटर। तो ये बन गई मेरी पेंटिंग, कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो एक्चुअली पेंटिंग तो मैंने कर लिया, मुझे बहुत ज़्यादा मन हो रहा था आज पेंटिंग करने का, तो एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस आज पेंटिंग की थियरी एग्जाम थी और मैंने आके पेंटिंग ही किया। ओके तो अभी ना मैं थोड़ी सी थक गई हूँ तो डिनर करके फिर मैं सो जाऊँगी एंड अभी हो रहा है डिनर का टाइम। वैसे जो हेयर स्टाइल थी ना वो थोड़ी सी बिगड़ गई थी तो सोचा कि सिंपल पोनीटेल में ही आ जाती हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ डिनर करने, फिर थोड़ी देर में ब्रश करके सो जाऊँगी। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कि कल। Thank you so much for watching. Bye.